हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आधुनिक भारत का इतिहास। तो आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोगों ने साइमन कमीशन तक पढ़ लिया था। आज हम लोग जब भारत में साइमन कमीशन आया, तो मैंने आपको बताया था कि साइमन कमीशन का गठन ब्रिटेन की कंजर्वेटिव सरकार ने किया था, और उस समय के एक कंजर्वेटिव भारत सचिव थे, उनका नाम था बर्किनहेड, लॉर्ड बर्किनहेड। ये भारत सचिव थे समय के। तो इन्होंने, चूंकि भारत में साइमन कमीशन का जैसे ही गठन हुआ था तो काफी हल्ला होने लगा, समस्त भारतीयों ने, भारत की सभी पार्टियों ने इसका विरोध किया, तो इन्होंने व्यंग में ही कहा कि ठीक है, हम साइमन कमीशन का गठन तो कर दिए हैं, आप जो भारतीय नेतृत्व है, जो भी आपके यहाँ विभिन्न पार्टियां हैं जो नेतृत्व करती है भारतीय जनता का, वह सब मिलके एक ऐसा संविधान बना, संविधान का मसौदा हमको दे, संविधान बना के हमको दे, ताकि वहां के सभी, भारत के सभी वर्ग और समुदाय को वो संतुष्ट कर सके। ये बात उन्होंने व्यंग में कहा था, बर्किनहेड ने यह बात व्यंग में कहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि भारत में इतना वर्गत और समुदायगत इतना मनमुटाव है कि भारतीय एक मत होके कोई संविधान संविधान नहीं दे सकते। और ये बात उन्होंने सच भी कहा था, क्योंकि भारत में रियली जो था बहुत ज्यादा वर्गत और संप्रदायगत जो है, आप कह सकते हैं कि मतभेद थे। खैर, इस लॉर्ड बर्किनहेड के इस चुनौती को भारतीयों ने स्वीकार किया, लॉर्ड बर्किनहेड के इस चुनौती को भारतीयों ने स्वीकार किया, और 19 मई 1928 को, 19 मई 1928 को एक सर्वदलीय बैठक हुआ। सर्वदलीय बैठक में भारत की भी जो पार्टी थी सभी बैठक में भाग लिया था 19 मई 1928 को। और यहाँ पर डॉक्टर अंसारी इस सर्वदलीय बैठक का अध्यक्षता किए थे, और ये निर्णय लिया गया, मोतीलाल नेहरू को कहा गया कि आप जो है एक संविधान बनाइए। मोतीलाल नेहरू से कहा गया कि आप एक संविधान बनाइए, और उस संविधान में जो है मोतीलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया। मोतीलाल नेहरू को क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। इसमें 8 और सदस्य थे, मोतीलाल नेहरू और 8 सदस्य थे, मतलब कुल मिला के, मोतीलाल नेहरू को मिला के अगर कहा जाए तो कुल मिला के 9 मेंबर हो गए। 8 सदस्य थे और मोतीलाल नेहरू खुद अध्यक्ष बने थे। 8 सदस्य में मोतीलाल नेहरू के बेटे जवाहरलाल नेहरू को भी 1 सदस्य थे, लेकिन वो सचिव थे। ये जो थे नेहरू, जवाहरलाल नेहरू क्या थे? सचिव थे। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस भी थे इसमें, सुभाष चंद्र बोस थे। उसके बाद आपको सरदार मंगल सिंह थे, सरदार मंगल सिंह थे। एमएस अने थे, और तेज बहादुर सप्रू थे, जयकर थे। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, 2 मुस्लिम सदस्य थे, 2 जो थे मुस्लिम सदस्य थे। एक थे आपको शोएब कुरैशी और मोहम्मद अली, सॉरी, 2 मुस्लिम सदस्य थे, एक थे सर अली इमाम, सर अली इमाम, और एक मोहम्मद थे कुरैशी थे, शोएब कुरैशी थे। हाँ, शोएब कुरैशी। फिर से सुन लीजिएगा, 19 मई 1928 को सर्वदलीय बैठक बुलाया गया, विभिन्न पार्टियों का बैठक बुलाया गया बंबई में। कहाँ बुलाया गया था? बंबई में। और इसमें मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है एक संविधान बनाने का मोतीलाल नेहरू को भार दिया गया, और उनको 8 सदस्य भी दिया गया। 8 सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू जो सचिव थे, सुभाष चंद्र बोस, सरदार मंगल सिंह, एस अने, तेज बहादुर सप्रू, जयकर, और 2 मुस्लिम सदस्य सदर अलीमा और शोएब कुरैशी। इनको कहा गया कि आप जो है, जो बर्किनहेड ने, ब्रिटिश सचिव ने, राज सचिव ने जो चुनौती दिया है, आप जो है एक संविधान बना के हमको प्रस्तुत कीजिए। इस सर्वदलीय बैठक की 3 बार मीटिंग हुई थी, कुल मिला के
इस सर्वदलीय बैठक की 3 बार मीटिंग हुई थी और इनको कहा गया था कि 1 जुलाई 1928 तक आप इस काम को करके दे दीजिए, मोतीलाल नेहरू से कहा गया था, लेकिन यह असंभव था 1 जुलाई 1928 तक बनाना। लेकिन इन्होंने, नेहरू जी ने अगस्त 1928 में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया, अगस्त 1928 की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया। इस रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट भी कहा जाता है, नेहरू रिपोर्ट भी कहा जाता है, मोतीलाल नेहरू के नाम पर इस रिपोर्ट को जो है मोती नेहरू रिपोर्ट भी कहा जाता है। इस नेहरू रिपोर्ट के लेखक कौन है, तो मोतीलाल नेहरू खुद ही है, खुद लिखे थे खुद ही, भले उन्होंने सभी से विचार विमर्श जो भी किया हो लेकिन बैठ के उन्होंने खुद ही लिखा था। और इसमें इसका जो शीर्षक दिया गया था इस रिपोर्ट का, भारत में संवैधानिक व्यवस्था, इस रिपोर्ट का शीर्षक का नाम क्या था, भारत में संवैधानिक व्यवस्था। अगस्त 1928 में उन्होंने यह रिपोर्ट सौंप दिया और यह जो जहां सौंपा था अगस्त 1928 में, वहां भी सर्वदलीय बैठक में ही सौंपा था, यह अंतिम सर्वदलीय बैठक थी और यह हुआ था लखनऊ में। कहां हुआ था, लखनऊ में, पहला कहां हुआ था बंबई में और अंतिम कहां हुआ लखनऊ में। और नेहरू रिपोर्ट ने अपना जो भी है वो पारित कर दिया। अब है कि नेहरू रिपोर्ट की कौन कौन सी बातें हैं उसको हम लोग देख लेते थे। डोमिनियन नेहरू रिपोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमको डोमिनियन स्टेटस चाहिए, हमको क्या चाहिए, डोमिनियन स्टेटस चाहिए। ये डोमिनियन स्टेटस जो है उसी प्रकार का होना चाहिए जो ब्रिटिश सरकार अन्य उपनिवेशों को दिया, जैसे कनाडा को दिया है, ऑस्ट्रेलिया को दिया है, उसी प्रकार भारत में भी जो है डोमिनियन स्टेटस भारत को आप दीजिए। ये ब्रिटिश सरकार का कहना है, जो अन्य उपनिवेश को आपने दिया है, कनाडा को दिया है, ऑस्ट्रेलिया को दिया है, उस तरीके से आप दीजिए। नेहरू रिपोर्ट की सबसे जो गलत चीज है वह है जो पृथक निर्वाचन प्रणाली सांप्रदायिक आधार पर दिया गया था 1909 में, पृथक निर्वाचन प्रणाली मुसलमान को जो दिया गया था या अल्पसंख्यक को दिया गया था 1909 के एक्ट में, इसने कहा कि नहीं, पृथक निर्वाचन प्रणाली अब समाप्त कर दीजिए और जो सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली है इसको समाप्त कीजिए। ये नेहरू रिपोर्ट का था और कहा कि 10 साल तक ठीक है इसको रखिए, लेकिन 10 साल के बाद जो है इसको हटा दीजिए। अगर इमीडिएट नहीं हटा सकते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को या पृथक निर्वाचन प्रणाली को, तो आप जो है 10 साल के में इसको हटा दीजिए। और कहा कि अब संयुक्त निर्वाचन प्रणाली को आप शुरू कर दीजिए, अब जो है संयुक्त निर्वाचन प्रणाली को शुरू कर दीजिए। देखिए 1909 के एक्ट में तो जो भी था, बाद में कांग्रेस ने संयुक्त निर्वाचन प्रणाली को 1916 में मान लिया था, सॉरी पृथक निर्वाचन प्रणाली को मान लिया था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, वह कांग्रेस की पहली भूल थी। और फिर से जो अधिकार मुसलमानों को मिल चुका था, शेर को अब खून आदमी का खून खाने पीने की आदत पड़ गया है, उसको फिर से आप कहिएगा कि आप जो है खून पीना बंद कर दीजिए तो नहीं चलेगा। तो नेहरू रिपोर्ट में ये जो प्रावधान था कि संयुक्त निर्वाचन प्रणाली को शुरू कीजिए, पृथक निर्वाचन को समाप्त कीजिए, यह बहुत मुसलमानों को इससे असुरक्षा की भावना पनपी। हम आगे बताएंगे कि क्यों पनपी। हो गया। उसके बाद है केंद्र या प्रांत में, लेकिन इसी बात नहीं है कि इसने मुसलमानों के लिए नेहरू रिपोर्ट ने नहीं सोचा, केंद्र या प्रांत में जहां मुसलमान अल्पसंख्यक है उनको जो है कुछ सीट दे दीजिए। केंद्र या प्रांत में जहां मुसलमान अल्पसंख्यक है वहां उनको सीट दे दीजिए, कुछ स्थान आरक्षित कर दीजिए, लेकिन पंजाब और बंगाल में जहां मुसलमान बहुत संख्यक में है ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहां ऑलरेडी जो है ये बहुमत में है। उसके बाद जो है भाषाई आधार पर प्रांत का गठन हो, भाषाई आधार पर प्रांत का गठन हो। नेहरू रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू ने कहा, जो रिपोर्ट में प्रकाशित किया, कि भाषाई आधार पर जो है आप प्रांतों का गठन कीजिए। उसके बाद इनका था कि केंद्र तथा प्रांत में
उत्तरदायी सरकार की स्थापना किया जाए, केंद्र तथा प्रांत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना किया जाए, ये इसका रिपोर्ट था। ठीक, उसके बाद कहा गया कि केंद्र सरकार में गवर्नर जनरल का पोस्ट रहेगा, केंद्र सरकार में गवर्नर जनरल का पोस्ट रहेगा जिसको वायसराय कहते हैं, ये पोस्ट रहेगा और इसको ब्रिटिश सरकार ही चुनेगा, यहां तक कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन गवर्नर जनरल को जो सलाहकारी सलाहकार का जो काम करेगा वह एक कार्यकारिणी केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद करेगा, वह केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद करेगा। केंद्र सरकार का जो काम काज गवर्नर जनरल ही करेगा या वायसराय करेगा जो ब्रिटिश सरकार द्वारा नामित होता है, लेकिन उसको सलाह कौन देगा, तो केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद देगा। और यह किसके प्रति उत्तरदायी होगा, तो केंद्रीय विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा या केंद्रीय व्यवस्थापिका के प्रति, लेजिस्लेटिव के प्रति उत्तरदायी होगा, यह रिपोर्ट या नेहरू रिपोर्ट ने कहा। उसके बाद प्रांतीय व्यवस्थापिका या प्रांतीय विधानसभा का कार्यकाल, इसने कहा कि 5 साल होना चाहिए, प्रांतीय विधानसभा का कार्यकाल 5 साल होना चाहिए, 5 वर्ष का होना चाहिए, यह भी इनका रिपोर्ट था। भारत को कहा गया कि धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया जाए, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया जाए, इसमें कोई आपत्ति नहीं हो चाहे, लेकिन मुस्लिम भारत में अल्पसंख्यक है, चाहे मुस्लिम या कोई अन्य अल्पसंख्यक के भाषाई सॉरी सांस्कृतिक और धार्मिक अधिकार पर कोई मतलब कुठाराघात नहीं किया जाए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा, सेकुलर स्टेट होगा, और कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग हो या मुस्लिम हो या अन्य कोई अल्पसंख्यक हो, ईसाई हो चाहे जो भी हो, सिख हो, इनको इनके सांस्कृतिक और धार्मिक जो हित है उस पर इनका धार्मिक हित का पूर्ण संरक्षण दिया जाएगा, धार्मिक हित का पूर्ण संरक्षण दिया जाएगा, यह इसमें एक प्रावधान था। उसके बाद जो केंद्र और प्रांत है उसमें जो शक्ति का विभाजन है वो संघीय आधार पर किया जाएगा, मतलब संघीय सूची जो है 3 प्रकार की सूची बनेगी, संघीय सूची होगा, कुछ संघीय सूची में जो शक्ति है वो केंद्र को दिया जाएगा, कुछ प्रांतीय सूची होगा, राज्य सूची जिसको कहते हैं वो राज्य को दिया जाएगा, और लेकिन अवशिष्ट शक्तियां जो है वो केंद्र को दे दी जाएगी, अवशिष्ट शक्ति किसके पास रहेगी, केंद्र के पास रहेगी, और समवर्ती सूची पर केंद्र और प्रांत दोनों जो है कानून बना सकते हैं, यह इसमें साफ साफ कर दिया गया। एक प्रतिरक्षा समिति का गठन किया जाएगा, प्रतिरक्षा समिति का गठन किया जाएगा। दूसरा चीज, एक लोक सेवा आयोग का भी गठन का बात किया गया और उच्चतम न्यायालय के गठन की बात किया गया, प्रत्यक्षा समिति, लोक सेवा आयोग और उच्चतम न्यायालय के गठन का इसमें बात किया गया। पहले सिंध और बंबई जो था दोनों अलग एक ही था, दिल्ली रिपोर्ट ने कहा कि सिंध को जो है पहले बंबई में, बंबई प्रांत में ही सिंध था, तो नेहरू रिपोर्ट ने कहा कि बंबई को से अलग करके सिंध को एक अलग प्रांत बना दिया जाए। ठीक, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को वही वैधानिक दर्जा मिले जो ब्रिटिश साम्राज्य के अन्य प्रांतों को मिला हुआ है। तो यह सब कुछ नेहरू रिपोर्ट का कुछ इंपॉर्टेंट बात है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मौलिक अधिकार की बात करना। मोतीलाल नेहरू का रिपोर्ट जो था वह उसमें मौलिक अधिकार की पहली बार बात की गई। मौलिक अधिकार में कुल इसने नेहरू रिपोर्ट ने 19 मौलिक अधिकार का चर्चा किया था, 19 प्रकार के मौलिक अधिकार भारतीयों को मिलना चाहिए। आपको जान के आश्चर्य होगा जो मोतीलाल नेहरू का रिपोर्ट में जो 19 फंडामेंटल राइट का जो चर्चा है उसमें से 11 जो है एज इट इज भारतीय संविधान में 26 जनवरी 1950 को अपना लिया गया। यह बहुत बड़ी बात है। अब इसमें कौन कौन जो है
फंडामेंटल राइट है वो देख लीजिए, महिला को समान अधिकार की बात किया गया, महिला को समान अधिकार का बात किया गया, महिला के साथ किसी प्रकार का जो है भेदभाव नहीं होगा, संघ बनाने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता, ये सब जो है इसमें फंडामेंटल राइट में इनको दिया गया। समाचार पत्र प्रकाशित करने की स्वतंत्रता, ये सब जो फंडामेंटल राइट का पार्ट था। यह कुल मिला के यही था आपका जो मोतीलाल नेहरू ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया उसकी जो मुख्य बातें हैं वह यही है, इससे ज्यादा कोई अन्य बात नहीं है। अब यहां पर हुआ कि जब नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित हुई तो अंग्रेज सरकार ने तो नहीं माना, पहला बात है कि अंग्रेज सरकार ने भी नहीं माना कोई इसमें। दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि मुस्लिम लीग ने भी नहीं माना, मुस्लिम लीग ने भी नहीं माना। और मुस्लिम लीग क्यों नहीं माना तो आपको खुद ही आपके पास जवाब होगा, जो उसने नेहरू रिपोर्ट ने कहा संयुक्त निर्वाचन पद्धति सभी के लिए, तो मुस्लिम लीग का कहना था कि पृथक निर्वाचन का जो अधिकार 1909 के एक्ट में मिला है मुसलमानों को, वो किसी प्रकार से न छीना जाए। और नेहरू रिपोर्ट ने कहा कि नहीं संयुक्त निर्वाचन, तो जिंदा जो है यही से थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि अब रास्ता बहुत अलग अलग होने लगा था। अगर 1922 तक 24 तक कहीं ना कहीं कांग्रेस और लीग साथ थे, 1922-24 तक मतलब 1916 से लेकर 22 या 24 तक जो भी कह लीजिए, लेकिन उसके बाद अब रास्ता जो है धीमे धीमे अब दोनों का अलग होते जा रहा है। और दिल्ली में मुस्लिम लीग का बैठक हुआ था और 1928 में बैठक हुआ था, सॉरी दिल्ली में 28 मार्च 1929 को मुस्लिम लीग का दिल्ली में बैठक हुआ था। मोहम्मद अली जिंदा ने नेहरू रिपोर्ट के खिलाफ जो है 14 सूत्रीय फार्मूला प्रस्तुत किया, 14 सूत्रीय फार्मूला दिया और साफ साफ कहा कि जो नेहरू रिपोर्ट संयुक्त निर्वाचन की बात करता है उसको मैं अस्वीकार करता हूं, और जो पृथक निर्वाचन का मुसलमानों को अधिकार मिला है वह बनाए रखा जाए। फिर 14 सूत्रीय फार्मूला में उन्होंने और भी बातें कही, लेकिन जो मुख्य विरोध था नेहरू रिपोर्ट से वह यही था कि नेहरू रिपोर्ट ने मुसलमानों का जो संयुक्त पृथक निर्वाचन का जो अधिकार था वह नहीं मानने को तैयार था, यह मेन बात था। खैर यह तो हो गया कि मुस्लिम लीग ने विरोध किया, अंग्रेज सरकार खैर फेवर में नहीं थी नेहरू रिपोर्ट का, सिख समुदाय ने भी जो है इसका विरोध किया, सिख समुदाय ने भी नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया। दिसंबर 1928 में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बैठक हुआ, हर साल होता है दिसंबर में, 1928 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बैठक हुआ कलकत्ता में, और इसके अध्यक्ष बनाए गए मोतीलाल नेहरू, और नेहरू रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया। इस समय कांग्रेस में दो युवा नेता थे, एक तो मोतीलाल नेहरू के बेटा ही थे जवाहरलाल नेहरू, और दूसरा थे सुभाष चंद्र बोस। ये दोनों नेता नहीं, जो मोतीलाल नेहरू ने डोमिनियन स्टेटस का बात किया था। आपको जान के आश्चर्य होगा कि मोती जो नेहरू रिपोर्ट में दोनों व्यक्ति शामिल, जवाहरलाल नेहरू सचिव थे उस रिपोर्ट में और सुभाष चंद्र बोस एक सदस्य थे, फिर भी जो है इन्होंने जो मोतीलाल नेहरू के डोमिनियन स्टेटस का विरोध किया और कहा कि नहीं अब जो है पूर्ण स्वराज से कम पर बात नहीं चलेगा, पूर्ण स्वराज से अब कम पर बात चलने वाली नहीं है, अब हम लोगों को पूर्ण स्वराज चाहिए, डोमिनियन स्टेटस बहुत हो गया। और फिर दोनों ने मिलकर जो है इंडिपेंडेंस, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन किया, फॉर इंडिया लीग का गठन किया सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने, पूर्ण स्वराज
को प्राप्त करने के लिए इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन किया और नेहरू रिपोर्ट का जो डोमिनियन स्टेटस की जो मांग थी उसको पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दिया। कलकत्ता अधिवेशन में साफ साफ जो है कांग्रेस के अंदर ही इसका विरोध हो गया। गांधी जी ने किसी तरह स्थिति को संभाला, यहाँ पर गांधी जी ने स्थिति को संभाला, कहा कि अगर सरकार ब्रिटिश सरकार डोमिनियन स्टेटस नहीं देती है तो हम जो है पूर्ण स्वराज के लिए लड़ेंगे। गांधी जी ने इन दोनों युवा नेताओं को जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस को समझा दिया। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन का पहला उद्देश्य था पूर्ण स्वराज की प्राप्ति और दूसरा उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ जो भी भारत की प्रगतिशील शक्तियां हैं उन सबको जो है संगठित करना। यही था आपका नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इसी एरिया इसी डायमेंशन में आएंगे, इसके बाहर कुछ नहीं आएंगे। नेहरू रिपोर्ट 1928 की घटना है, तो 1928 में एक और घटना का मैं चर्चा कर देता हूँ। वो नेहरू रिपोर्ट से नहीं संबंधित है लेकिन इतिहास की धारा में वो भी उसी वर्ष घटित हुई थी। घटना है आपका बारडोली सत्याग्रह, ये किसान सत्याग्रह था, पहले भी चर्चा हुआ होगा, आज भी मैं कर देता हूँ। ये बारडोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, ये गुजरात में है। बारडोली हुआ यह था कि यहाँ के जो सरकार थे उसने क्या किया कि लगान की मात्रा में 30% की वृद्धि कर दी, तो इसका नेतृत्व जो है किसानों का नेतृत्व किए वल्लभ भाई पटेल, और वल्लभ भाई पटेल ने फिर ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और कर की मात्रा को करना पड़ा, लगान की मात्रा को करना पड़ा 6.3%। तो 6.3% और यहां पर 6.3% लगान की मात्रा को 30% से घटा के ब्रिटिश सरकार को करना पड़ा। यहीं पर बारडोली की महिलाओं ने ही वल्लभ भाई पटेल को पहली बार क्या कहते हैं वल्लभ भाई पटेल को सरदार का उपाधि दिया था, ठीक, सरदार वल्लभ भाई पटेल का उपाधि मिला था। तो यही है आपका नेहरू रिपोर्ट और जिंदा का 14 सूत्रीय फार्मूला। अब जो है आगे का जो इतिहास है वो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज का वीडियो इतना ही, धन्यवाद।